राइट सो so, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं पहले क्लियर आउट कर देना चाहता हूँ यूजअली मैं बोलता नहीं हूँ बट इस टाइम बोल रहा हूँ एक तो ये वीडियो पूरा देख लेना एंड दूसरा थोड़ा सा पॉजिटिव जो माइंड सेट है उसके साथ इस वीडियो को देखना मे बी ये आपकी कुछ प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर दे या फिर एटलीस्ट थोड़ा बहुत मोटिवेशन तो ये दे ही सकता है सो हिथ गाइज वेलकम बैक टू द चैनल माई नेम इज जीत एंड इस वाली वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ हमारे कैमरा सेटअप की जर्नी के बारे में मतलब इनिशियली हमने कहाँ से शुरू करा है एंड अभी तक रिसेंटली हमने हमारा जो कैमरा सेटअप है उसको अपग्रेड करा है तो कहाँ तक पहुँचे हैं उसके बारे में एंड इस बीच हम लोगों ने जो भी जुगाड़बाजी करी है या फिर यू you नो know, जो भी सर्कमस्टांसेज हमने फेस करे हैं उनको कैसे डीलआउट करा है थोड़ा बहुत तो उनके बारे में बता दूंगा सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्ट बट उससे पहले बात करते हैं इस वीडियो के स्पॉन्सर की जो कि है कार्पियम बाइक स्कैनर सो so, बेसिकली कार्पियम बाइक स्कैनर की हेल्प से आप अपनी बाइक को प्रोपरली स्कैन कर सकते हैं उसके कोड्स हैं उनको डायग्नोस कर सकते हैं रीसेट कर सकते हैं सर्विस रीसेट कर सकते हैं एंड साथ ही साथ जो लाइव डेटा है बाइक का उसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं एंड अभी इनकी होली फेस्टिवल सीजन सेल चल रही है तो सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर का फ्लैट डिस्काउंट है सो so डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है डू चेक इट आउट एंड अभी बैक टू दीडियो ऑल सो ये सब बहुत पहले शुरू हो गया था मतलब यूट्यूब पे आने से काफी पहले सो so टू में हम लोगों ने पिक्चर्स वीडियो शूट करना शुरू किया था बिकॉज उस टाइम पे हम लोग संडे या फिर कभी कभार स्कूल बंक भी कर लेते थे तो वो सब करके हम लोग राइड्स वगैरह किया करते थे तो थोड़ा बहुत कुछ फोटो क्लिक कर ली वीडियो क्लिक कर ली तो हम लोग हमारा यूजली फ़ोन यूज़ करते थे एंड उसके बाद में ट्वेंटी में हमारे ग्रुप में थ्री नाइन्टी आ गई थी एंड एक आरटीआर भी थी मेरे पास तो उन सबको मिला करके हम थोड़ा बहुत स्टंट प्रैक्टिस भी करते थे तो उन सारी चीज़ों के लिए हम लोग फ़ोन यूज़ करा करते थे एंड मेरे चैनल पर जो इनिशियल दो वीडियोज़ हैं टू में अपलोडेड हैं वो सेवनटीन में भी हो सकती हैं देखो मेरे को एग्जैक्टली याद है नहीं बट हाँ वो उस टाइम पर जो वीडियोज दो वीडियो मैंने अपलोड करी थी रोलिंग स्टॉपी की वो दोनों वीडियोस फ़ोन से शूट करी हुई हैं अभी यहां पर मैं आप लोगों को क्या एक ऐसी चीज़ है जो कि एज ए लेसन प्रोवाइड करना चाहता हूं वो सुन लो सो बेसिकली व्हाट आई विल से इज कि जब तक आप अश्योर नहीं हो कि आपको यूट्यूब में जाना है या नहीं या फिर किसी भी चीज़ में जब तक आप किसी भी चीज़ को लेकर के हंड्रेड परसेंट श्योर नहीं हो कि हाँ मेरे को ये करना ही है तब तक मोटा अमाउंट इन्वेस्ट मत करो जो आपके पास है उसको ही यूज़ करने की कोशिश करो या फिर थोड़ा बहुत अगर यू you नो know, आपके लिए जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे लिए पाँच दस हजार रुपए हैं वो मैं स्पेंड कर देता हूं तो मेरे को ए, मतलब कुछ मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा तो वो आपके लिए पाँच दस लाख हो सकता है किसी के लिए वो पचास साठ लाख भी हो सकता है किसी के लिए वो पाँच सौ रुपये भी हो सकते हैं तो अपने करंट सिनेरियो के हिसाब से एक ऐसी इन्वेस्टमेंट आप करो अगर आप किसी चीज़ को लेकर के सीरियस नहीं हो जिस जो अगर डूब भी जाए या वेस्ट हो जाए तो आपको फ़र्क ना पड़े उस टाइम पे हम लोग सीरियस नहीं थे मैं बिल्कुल भी सीरियस नहीं था यूट्यूब को लेकर के तो इसलिए मैंने ऐसे ही दो रोलिंग टॉपिक की वीडियोज डाल दी थी एंड फ्रैंकली स्पीकिंग सन राइडिंग में मेरा कोई इंटरेस्ट भी नहीं था कि मैं शोकेस करूंगा वो बस हम लोग फन के लिए करते थे एंड उसी टाइप की वो वीडियोज़ थी सो so वो हो गया वो फोन से शूट करी हुई है मोटोरोला मोटो Moto G3 एंड नोकियालूमिया सेवन 730 ये उस टाइम उस आ, टाइम रेंज में मेरे पास ये दो फोन रहे थे तो उनसे ही वीडियो उनमें से किसी एक की वीडियो है वो दो रोलिंग स्टॉपी वाली सो दैट्स दैट उसके बाद में 2018 या आई गेस 18 ही होगा 2018 या 19 में मेरे को अगेन डेट कंफर्म नहीं है पावर uh, ड्रिफ्ट ने एक इवेंट टाइप लॉन्च करा था गिव अवे अनाउंस करा था कि अपाची थ्री टेन हम लोग गिव अवे करेंगे कुछ वीडियो बनाने के लिए बोला गया था उसमें शायद दो क्वेश्चंस थे एक ये कि ड्रिफ्ट ने कैसे इंडियन मोटरिंग सिनेरियो को चेंज करा है एंड दूसरा ये था कि वो और कैसे बेटर कर सकते हैं उस चीज़ को तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी उस टाइम पे मैंने मेरे दोस्त का डी उधार लिया था मेरे ख्याल से कैनन का 1300 हंड्रेड तेरह डी जो आता है वो था एंड वो यूजुअली बिगिनर फोटोग्राफी के लिए था एंड उस टाइम पे हमारे एरिया में भी ये डी से फ़ोटो डालने वाला ट्रेंड चलाई था तो उसके पास वो पड़ा था इसलिए मैंने वो मांग लिया उससे एंड उसे फैमिली स्पीकिंग वीडियो बिल्कुल भी बढ़िया शूट नहीं हुई थी और उस टाइम पर मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बोलने की स्किल्स ज़ीरो थी अभी भी कुछ खास नहीं है बट हाँ अभी काम तो चल रहा है उस टाइम तो वो भी नहीं था तो वो मेरे ख्याल से छः या सात मिनट की वीडियो है अभी मैंने उसको प्राइवेट कर रखा है बिकॉज सी वो मेरा वो टाइम है जो मैं मतलब दिखाना नहीं चाहता उस वीडियो में मैंने बहुत फंबल करे हैं मैं लग भी जोकर जैसा रहा हूँ <laughs> इसलिए मैंने वो वीडियो पब्लिश नहीं कराया हालांकि उसका एक आम, ए, क्या बोलते हैं स्क्रीनशॉट या फिर एक उसकी झलक है वो आपको स्क्रीन पर अभी दिखा देगा भाई तो वो आप देख लेना उसमें मैं कैसा लग रहा हूँ तो बेसिकली वो मैंने तेरह सौ डी से शूट करा था एंड फ्रैंकली स्पीकिंग वो कैमरा नहीं बना था वीडियो के लिए बट स्टिल आई ट्राइड दैट एंड उसमें फिफ्टीन फोर्टी फाइव या फिर फिफ्टीन फिफ्टी फाइव का लेंस आता था मेरे ख्याल से मेरे को अगेन एग्जैक्टली exactly याद नहीं है उससे मैंने ट्राई करा था कुछ और वीडियोस भी शूट करी थी जो कि अभी तक मैंने यूट्यूब पर डाली नहीं है वो कंप्यूटर में सेव हैं आर वन फाइव मेरी आर वन फाइव का इंजन फट गया था तो उसको डिसमेंटल करते टाइम मैंने शूट करा था आई स्मार्ट की क्लच रिप्लेसमेंट की अभी रिसेंट डेज में ए, स्प्लेंडर की क्लच ए, का जो सिस्टम होता है मतलब क्लच असेंबली होती है पूरी उसको कैसे आप चेंज करते हैं वो वीडियो मैंने डाली है लेकिन वो कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में चार साल पहले था चार साल पहले मैंने शूट भी करा था और ठीक ठाक वीडियो थी वो बट पता नहीं क्यों मेरे को हिम्मत नहीं हुई उसको अपलोड करने की तो इसलिए मैंने उसको नहीं अपलोड करा ऐसी काफ़ी वीडियोज़ हैं जो कि इस चैनल पर ऑफिशियली मैंने जब अनाउंस करा था टू में नाइनटीन अप्रैल टू डेट थी शायद बाकी आप देख लेना जो आर के इंडिकेटर के लिए जो क्विक फिक्स वाली वीडियो मैंने बना रखी है तीन चार मिनट की उसमें मैंने बताया है Uh, वो मेरी पहली वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि हाँ ऑफिशियली मेरा चैनल अभी से स्टार्ट हो रहा है इससे पहले की जो दो वीडियोस हैं वो ऑफिशियली uh, मैं कंसिडर नहीं करता बिकॉज वो वैसे भी छः सात सेकेंड की वीडियो है एंड वो रोलिंग स्टॉपिक है और उससे रिलेटेड मेरा चैनल है भी नहीं सो दैट्स दैट तो 2019 में जो वो पहली वीडियो डली थी वो मैंने डाली थी उससे पहले जो वीडियो शूट करी थी वो तेरह सौ डी से करी थी एंड उनको अपलोड करने की मेरे में हिम्मत नहीं हुई बिकॉज ना मेरे को ज़्यादा खास एडिटिंग आती थी ना वो ज़्यादा बढ़िया कैमरा था और ना ही ज़्यादा मेरी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स थी बट फिर मैंने स्टेप लिया कि भाई करना ही है और करना ही है तो फिर चलो सीरियस होते हैं इस चीज़ के बारे में तब मैंने पंद्रह बीस हजार रुपये मैंने थोड़े थोड़े करके इकट्ठा करे थे एंड पंद्रह बीस हजार मैंने घर वालों से लिए थे सीधी बात है सो फोर्टी टू थाउजेंड का मेरे को वो कैमरा पड़ा था कैनन जी सेवन एक्स मार्क टू उस टाइम पे मैंने सर्च करा कि मेरे को एक ऐसा इक्विपमेंट चाहिए जो कि रेडी टू शूट हो कि भाई बैग से निकाला एंड रिकॉर्ड बटन दबाया और हो जाओ शुरू तो वो था उसमें माइक भी ठीक ठाक था उसमें एक्सटर्नल माइक का ऑप्शन नहीं था आगे चल करके वो चीज़ हमें बहुत परेशान करी बट वही है कि उस टाइम पर हमारा काम निकल गया था एंड आई थिंक उस कैमरा ने एक लाख सब्सक्राइबर तक मेरा बढ़िया साथ दिया था एक लाख सब्सक्राइबर होने से पहले मैंने एज ए सेकेंडरी कैमरा एस जे कैम का एस जे सिक्स लेजेंड आता है जो कि मैंने सोचा था कि मोटर मोटरब्लॉगिंग करेंगे उसके लिए लिया था बट मैंने कभी करी नहीं वो खाली एक ड्यूक थ्री नाइन्टी रीबिल्ड सीरीज में जब मैंने ड्यूक को पूरा तैयार कर लिया था उस टाइम पे उसको चलाने के लिए जो ए, ओन मोटरसाइकिल वाली फुटेज चाहिए थी पी ओ वी उसके लिए मैंने वो कैमरा काम लिया था उसके अलावा आज तक उस कैमरे को मैंने हाथ भी नहीं लगाया तो मेरा मैन जो था वो जी सेवन एक्समार्क टू ही था सो फ्रैंकली स्पीकिंग वो फोर्टी टू थाउजेंड रुपीज़ मुझे एक लाख सब्सक्राइबर तक लेकर के आए क्योंकि कंप्यूटर मेरा पुराने वाला ही यूज़ करा था मैं उस टाइम मेरे पास 2013 के टाइम से जो कंप्यूटर था उसी को मैंने यूज़ करा था एक डेढ़ लाख सब्सक्राइबर मेरे उसी पीसी ने कराए थे उसमें दस पंद्रह मिनट की वीडियो एडिट और रेंडर होने के लिए दो दो तीन तीन चार चार घंटे भी लगते थे हम लोग मतलब पूरी पूरी रात जगते थे कि ये बंद ना हो जाए उसमें यू you नो know, वो फुटेज है वो करप्ट ना हो जाए एंड पता नहीं क्या क्या खैर वो पीसी सेटअप की स्टोरी है वो फिर कभी बताऊंगा अभी फोकस करते हैं अपनी जो कैमरा स्टोरी है उस पर तो जैसे ही एक लाख सब्सक्राइबर प्लस हुए फिर मैंने डिसाइड करा कि यार नहीं अभी अपने को कैमरा इंप्रूव करना पड़ेगा एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही थी वो थी एक्सटर्नल माइक की क्योंकि एक लाख से पहले ज्यादातर वीडियो ऐसी थी जिसमें मैं कैमरा के पीछे रहता था मैं खुद शूट करता था लेकिन मुझे कैमरा के आगे आना था तो उसके लिए मेरे को माइक चाहिए था तो फिर मैंने थोड़े दिन के लिए अगेन मेरे फ्रेंड से दो करके कैनन का कैमरा आता है काफी पॉपुलर कैमरा है वो लिया उस पर लेवलियर माइक लगाया बोया का हजार ग्यारह सौ रुपए का माइक आता है वो शायद उस टाइम हमको डिस्काउंट में साढ़े आठ सौ के समथिंग का पड़ा होगा एंड वो लंबी सी तार आती है उसमें मतलब कितनी लंबी है यार क्या होता बैंकर लंबी वायर आती है उसकी तो उससे हम लोग शूट करते थे और एक दिन वो पैर तले आ गई वायर और वो माइक टूट गया फिर मैंने सोचा अब क्या किया जाए तो फिर मैंने ये माइक परचेस किया जो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ ये मेरी सही में माइक के हिसाब से बहुत महंगा है बट कसम से दिस थिंग इज अमेजिंग अगर इसको आपको परचेज करना है अगर आप थोड़ा भी मन बना रहे हैं कि हाँ इसको लेना चाहिए ले लो आँख बंद करके इससे बेस्ट चीज़ नहीं है ये अभी भी काम कर रहा है हमने कैमरा दो तीन अपग्रेड कर लिए हैं बट माइक यही चल रहा है तो ये रोड का है वायरलेस गो अभी गो टू भी आने लग है उसमें दो रिसीवर्स आते हैं इसमें एक है बट हमारा मोस्टली सिंगल पर्सन का ही काम रहता है तो नॉट एन इशू तो ये खरीदा उसके बाद में अब सीधी बात है उधार ली हुई चीज़ वापस भी करनी पड़ती है तो शायद सात आठ वीडियो शूट करने के बाद में वो कैमरा हमको वापस करना पड़ा था तो फिर मैंने मेरे दूसरे दोस्त से दो सौ डी उधार लिया उससे चार पाँच वीडियो शूट करी एंड फिर फाइनली मैंने हिम्मत करके बिकॉज उस टाइम पर मेरी फैमिली में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी वो अभी नहीं बता सकता मैं बाद में बताऊँगा फाइनेंशियली तो उस टाइम पर पैसे थे नहीं तो जब थोड़े से रिकवर हुए थोड़े हालात अच्छे हुए तब मैंने एम फिफ्टी परचेज़ करा कैनन का बिकॉज मेरे को बहुत तगड़ी वाली डील मिल रही थी एम फिफ्टी पे तीन लेंस मिल रहे थे एम फिफ्टी मिल रहा था दो बैटरीज मिल रही थी एंड छोटा मोटा और भी सामान था शायद उसके साथ में लॉकडाउन का टाइम था तो जिस भाई से मैंने लिया था उनको भी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी पैसे वगैरह की तो इसलिए हम दोनों टकरा गए हमारी डील हो गई एंड फिर बाकी के जो मेरे सब्सक्राइबर हुए हैं अभी मेरे ख्याल से साढ़े तीन लाख तक एम फिफ्टी नहीं कराए हैं एंड फ्रैंकली स्पीकिंग जितने पैसे में मेरे को वो कैमरा मिला था कसम से इट वॉज वर्थ इट एंड ऑलमोस्ट उसी प्राइस पर मैंने उसको दोबारा भी सेल कर दिया तो मेरे को उसका कोई रिग्रेट नहीं है एंड वो मेरी लाइफ की आज तक की सबसे प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट रही है बिकॉज़ उस कैमरे की वजह से मैंने यूट्यूब पर जो वीडियोज़ डाली हैं उनकी वजह से मेरे पास जो इनकम आई है जो सब्सक्राइबर्स आए हैं और उसने मेरे को घाटा भी नहीं दिया कोई तो वो सही में कमाल की इन्वेस्टमेंट थी एंड अभी पसीना आ रहा बैंकर वाला बिकॉज ए सी चला नहीं रखा है एंड फैन चला नहीं सकते तो ठीक है जैसे तैसे एनी वेज अभी बात करते हैं एम के बाद में क्या लिया तो उसके बाद परचेज कराया ये सोनी ए सेवन सी और लेना तो सोनी ए सेवन एस थ्री था बट अभी भी उस लाइक नहीं हुए हैं क्योंकि अभी दस और जगह हैं जहाँ पर पैसा लग रहा है जहाँ पर खर्चा कर रहे हैं तो इसलिए वो तो बाद में लेंगे सोनी ए सेवन एस फोर आ जाएगा तब तक मे बी एस फाइव आ जाएगा वो अल्टीमेट गोल है लाइफ का कि एक जीम्बास लेंस लेना है एंड एक सोनी ए सेवन एस सीरीज का कैमरा लेना है तो वो गोल अभी भी हुआ नहीं है पूरा तभी ये वीडियो बना रहा हूं कि बीच वाली जो सिचुएशन होती है ना जब आप किसी चीज तक पहुंचने वाले होते हो और उससे पीछे की जो जर्नी होती है तब मेरे को ऐसा लगता है कि आपका एक जो माइंड होता है उससे आप लोगों को बहुत कुछ बता सकते हो सो दैट वाई एम मेकिंग दिस वीडियो इससे सबसे बड़ी चीज जो मैं किसी को बोलूंगा किसी भी फील्ड में हो जाए आप वो ये है कि आप कंटिन्यू इंप्रूव करो जितना आप कमा रहे हो उसमें से थोड़ा परसेंटेज अगर आप उस चीज में नहीं डालोगे जिससे आपको पैसा मिल रहा है तो आप स्टक हो जाओगे एक जगह एंड वो सबसे बुरी चीज होती है किसी भी चीज के लिए चाहे वो यूट्यूब हो चाहे वो आपका किसी भी और टाइप का बिजनेस हो चाहे वो आपकी स्टडीज हो कुछ भी हो अगर आप कहीं पे रुक गए ना एक जगह आपकी प्रोग्रेस नहीं हो रही है एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम तक आप करना नहीं चाह रहे हो आप वो पैसा कमा रहे हो और बैंक में डाल रहे हो या सेविंग्स कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो ज़्यादा दूर नहीं जा पाओगे यू हैव टू पुट द मनी बैक जहाँ से आपने कमाया है वहां पे आपको वापस लगाना पड़ेगा अदरवाइज आप ज़्यादा लंबा नहीं जा पाओगे ये सबसे बड़ी लर्निंग है जो मैंने सीखी आज तक और उसको मैं फॉलो करते हुए भी आ रहा हूँ आज तक मैंने जितना भी पैसा अर्न करा है खुद से आज मेरे पास वो एक भी नहीं है बिकॉज वो सारा का सारा मैंने फिर से उसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है यूट्यूब से मैं पैसा कमाता हूँ मैं यूट्यूब में ही वापस डालता हूँ कैमरा ले लिया या फिर सेटअप uh, इम्प्रूव कर लिया एडिटिंग वाला या फिर लाइट्स इंप्रूव कर ली स्टूडियो इंप्रूव कर लिया गराज इंप्रूव कर लिया नए नए बिल्ड्स खरीद लिए नए टूल्स ख़रीद लिए नए इक्विपमेंट्स ले आया ये सारी चीज़ें हैं एक टीम बना ली तो इन सब चीज़ों की वजह से आप आगे बढ़ते हो और ये करना बहुत ज़रूरी है एंड दैट इज द रीजन आई एम मेकिंग दिस वीडियो चलो ठीक है ए सेवन सी आ गया तो इससे आगे क्या इससे आगे वही है ए सेवन एस है एंड मे बी उससे आगे हमको ना जाना पड़े कैमरा से रिलेटेड बट फिर और कहीं जाएंगे एंड अभी इतना ज्ञान दिया है ये जो स्टोरी है ये बताई है तो अभी करंट हमारे पास एज ए सेटअप क्या है वो भी थोड़ा ब्रीफली बता देता हूँ एंड उसके बाद इस वीडियो को समअप करते हैं बिकॉज आई थिंक ये काफ़ी लंबी हो गई है बट अगेन इस वीडियो का पॉइंट यही था कि अगर आप मेरी जर्नी से मेरी कैमरा सेटअप की जर्नी से मेरी जर्नी तो बहुत अलग अलग चीज़ों की है वो भी आगे लाऊंगा अगर इसके कमेंट सेक्शन में आप बताओगे कि आपको ये टाइप का जो कंटेंट है ये समझ में आ रहा है या फिर नहीं बनाऊं तो वो ज़रूर बताना तो बेसिकली बात ये है अभी जो हमारे पास करंट सेटअप है करंट में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हम लोग यूज़ करते हैं या ऐसे ही पड़ी हैं जो मिस्टेक्स हैं जो कि आपको नहीं करनी चाहिए तो अभी उनके बारे में बात कर लेते हैं ओलाइट सो ज़्यादा कुछ है नहीं हमारे पास ये हमारा बेसिक सेटअप है ये एक छोटा ट्राईपोड है मेरे ख्याल से हज़ार ग्यारह सौ रुपये का आया होगा एंड कभी कभी जब नीचे के शॉर्ट्स लेने रहते हैं तब इसको काम में लिया जाता है उसके अलावा ये गोप्रो है ये पहले कश्मीर ने ख़रीदा था उसके बाद उससे मैंने ले लिया एंड ना तो इसने यूज़ करा ढंग से और ना मैं इसको कर पा रहा हूँ बट हाँ जो एक्सट्रीम वाला वीडियो शूट करा था उसमें ये काम आया था ये मेरे ख्याल से हीरो नाइन ब्लैक एडिशन है सो so, ये है एंड इसकी बाकी की जो एसेसरीज हैं वो अभी और कहीं पे रखी हुई हैं। सो so, एक ये है उसके अलावा एक्सट्रीम वाले शूट के दिन ही रातों रात दिल्ली जा के लाया गया हुआ ये गिम्बल और फिर इसको समझने में दो दिन लग गए थे तो ये भी खतरनाक चीज़ है यार ये शायद थर्टी सेवन थाउजेंड या थर्टी एट थाउजेंड के समथिंग का आया होगा ये लेना तो नहीं था बट लेना पड़ गया एंड वैसे भी काम आता ही है ये जो है कैमरा इसमें मेरे को डील बढ़िया मिली थी इसलिए मैंने 50 एम mm वाला लेंस ले लिया साथ में तो इसमें स्टेबलाइजेशन लेंस में नहीं है एंड वैसे भी जब आप 50 एम mm की फोकल लेंथ पर कोई चीज़ शूट करते हो वो भी हैंड हेल्ड तो सीधी सी बात है जो फुटेज है वो जर्की आएगी एंड उसकी वजह से जो गिम्बल है वो परचेज करना पड़ा एंड वी आर नॉट रिग्रेटिंग इट सही है काम ही आएगा आगे आगे ये एंड ये कैमरा है 50 एम mm एम इसमें लेंस है एंड अभी इसमें एक वाइड एंगल लेंस हमें चाहिए तो वो लेंगे उसके अलावा रोड वाला माइक है वो इसमें लगा हुआ ही है बिकॉज अभी हम इसी से शूट कर रहे हैं तो अगर आप देखेंगे तो ये चालू है तो बेसिकली ऑडियो इसमें रिकॉर्ड करा जा रहा है एंड शूट अभी आईफ़ोन से कर रहे हैं आई फोन थर्टीन प्रो मैक्स है वैसे ये तो ये हो गया उसके अलावा ये एक ऐसी चीज़ है जो कि मैंने सिर्फ़ एक बार काम में ली है पर ठीक है यार इसके पैसे भी उतने ही लगे थे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसका बाकी का बहुत सारा सामान आया था इसमें साथ में तो वो पता नहीं कहाँ पड़ा है ये एस जे कैम एस जे सिक्स लेजेंड है एंड कभी कभी ये लाइफ सेवर साबित हो जाता है एक बार हुआ था तो वो काफ़ी है उसके अलावा सबसे सस्ती और सबसे शुरुआत की जो चीज़ है वो ये है मेरे पास ये बेसिकली ट्राईपोर्ट है जो कि दिल्ली में पता नहीं कौन से मार्केट से मेरे फ्रेंड ने ला दिया था उस टाइम पर इसके ग्यारह सौ लगे थे एंड ये मेरे ख्याल से दो साल तक मैंने इसको यूज़ करा फिर ट्वेंटी 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 में ये यहाँ से टूट गया था तो मैंने इस पर वेल्डिंग करवा के और फिर एम सिल चिपका करके इसको ऐसा बना रखा है एंड तब से दो ढाई साल और हो गए हैं ये एकदम मस्त चल रहा है तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि शुरुआत के दिनों से मेरे साथ है अभी जो जी सेवन एक्समार्क टू जिसकी मैंने बात करी वो भी मैंने सेल आउट कर दिया था बिकॉज सी इवन आयरन मैन कि अगर भी आपने फिल्में देखी हैं तो वो बंदा भी है ना पुरानी चीज़ें नहीं रखता है आई नो दे आर लाइफ सेवर समटाइम्स बट हम लोग इतने पैसे वाले नहीं हैं भाई की सारी चीज़ें इकट्ठा करके रख लें और फिर वीडियो में उनको शोकेस कर पाएं। सो या जिसे जिसे मैंने सेल आउट कर दिया और बाकी दो सौ डी एंड तेरह सौ डी एस आई साइड की मेरे फ्रेंड्स के थे तो वो मेरे से बिलोंग नहीं करते थे एंड उसके अलावा ए सेवन अभी हमारे पास है M50 मैंने बेच दिया मैंने पहले बता ही दिया था तो हाँ ये एक चीज़ है जो कि मेरे पहले दिन से मेरे साथ है एंड इसको बेच के भी क्या ही मिल जाएगा बट हाँ ये मेरे लिए काफ़ी यू नो इम्पॉर्टेंट है सो या दैट्स दैट तो बस यही था हमारे पास सेटअप बाकी पीसी और एडिटिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं उसके बारे में अगर आपको इंटरेस्ट है तो प्लीज़ कमेंट में बता देना एंड उसके अलावा इस टाइप की वीडियोज़ अगर आपको समझ में आती हैं तो वो बता देना और बना दूंगा थोड़ी बहुत यू नो थोड़ी लर्निंग्स भी मिल जाएं एंड कुछ हमारी गलतियों से आप सीख सको इस वीडियो से आपको क्या चीजें समझनी चाहिए वो बता देता हूं पहली तब तक ख, बड़ा खर्चा मत करो जब तक आप श्योर नहीं हो कि आप वो काम करोगे या नहीं दूसरी चीजें जैसे जैसे आप कमाते जाते हो वैसे वैसे वापस भी इन्वेस्ट करना सीखो उसी बिजनेस में या इन्वेस्ट की बात नहीं कर रहा बेसिकली बात यह है कि खुद को आगे बढ़ाओ ये नहीं है कि आप कहीं पर पहुंच गए तो बस हाँ ठीक है इससे ऊपर नहीं जाना मेरे को नहीं ये ये थिंकिंग मत रखो ये थिंकिंग लोगों को खा जाती है अभी जो ऑफलाइन बिजनेस वाले हैं वो ऑनलाइन जो नहीं आ पा रहे हैं उनसे पूछो आप उनकी क्या हालत है बट वो ज़िद्दी बने में उनको लगता है कि ऑनलाइन इज़ नॉट ए थिंग बट ये है लोगों ने पता नहीं क्या क्या कर रखा है ऑनलाइन पैसे कमा कमा के तो एनी तीसरी लर्निंग uh, वो मैं ये देना चाहूँगा कि इफ यू डोंट नीड इट डोंट बाय ये है वैसे यू आई सी की लाइन है ये बट चिपका जि, दी पे कोई नहीं तो चलो ठीक है दैट्स अबाउट दिस वीडियो आई होप इससे थोड़ा बहुत आपको सीखने को मिला होगा एंड साथ ही साथ मेरा जो सेटअप है जो मेरी सेटअप जर्नी है उस वो भी आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी सो so, फिर मिलेंगे कभी किसी और वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय